गाइस ये जो पहली हमने बिलियनर की गाड़ी चुराई है वो है एस्टन मार्टिन। गाइस अपने ने आज 6 सुपर कार चुरा ली है, बहुत जबरदस्त अपने को प्रॉफिट होने वाला है इससे। और ये है लेम्बोर्गिनी मिलानो ट्रेजो। अब ये जो गाड़ी है ना इटालियन गाड़ी है, और यार ये रही मेरी फरारी इटाली 458। अपनी जो पहली है ये गाड़ी चुरा लेते हैं। अब ये गाड़ियों का एक्सप्लेनेशन देने का मेरे पास टाइम नहीं है। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। यार क्या तुमको पता है लास्ट एपिसोड में मैंने गैलेक्सी शोरूम परचेस किया था और उसके साथ साथ डेविन वेस्टन की 6 गाड़ियां जो लिबर्टी सिटी से उसने इंपोर्ट करी थी एक साथ चुराई थी। वो मैंने सारी गाड़ियां है ना बेनी को लाके दी और बेनी ने यार सारी गाड़ी अपने को बेच दी, उससे अपने को $200 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। तो अपना जितना भी पैसा इन्वेस्ट हुआ था शोरूम में और भाई अपने ने जितने भी बिजनेसेस खरीदे ऑफिसेस खरीदे सब निकल गया। तो बेनी ने बोला यार अपने गाड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, 6 और गाड़ियां भाई तुम फटाफट ढूंढ के लाओ। तो आज अपने वही करने वाले हैं। आज अपने लॉस सैंटोस के सबसे बड़े 4 बिलियनर से 6 सुपर कार चुराने वाले हैं एकदम मजेदार गैंगस्टर स्टाइल में। तो मैं तुम्हें प्लान बता देता हूं। तो सबसे पहले तो यार ये पहला बिलियनर इधर रहता है, दूसरा बिलियनर इधर रहता है, तीसरा बिलियनर इधर रहता है, और फिर ये चौथा बिलियनर जो यार लॉस सैंटोस का सबसे रिचेस्ट पर्सन है जिसका घर सबसे बड़ा है उसके वहां से हम 3 रेस कार एक साथ चुराने वाले हैं। ये अपने पीछे लेस्टर की लाफरारी पड़ी है जो यार वो अपने को अपने उससे वेरी सुन गिफ्ट में मांगने वाले हैं। अपने है ना गाड़ियां चुराने की सेटिंग के लिए यार बेनी ने अपने को एक मस्त है ना ट्रेलर लाके दिया, ये ट्रेलर पे अपने सारी गाड़ियां लोड करके लेकर आएंगे। तो आओ चलो फटाफट चलते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट बिलियनर के घर पे। मैं मेरे ट्रेलर में बैठ जाऊंगा यहाँ पे बूम बाम फटाफट। अब है ना ये ट्रेलर को मैं फुली कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं पहले बिलियनर का घर यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 0.69 miles ही है। अब है ना कोई बिलियनर के घर पे कम सिक्योरिटी होगी, कोई बिलियनर के घर पे ज्यादा सिक्योरिटी होगी। कौन सी कार चुरा रहे हो, बिलियनर कितना रिच है, ये सब बातें उस पर डिपेंड करती है। पर मुझे बेनी ने ऐसा जरूर बताया कि यार जो सबसे बड़ा लॉस सैंटोस का बिगेस्ट बिलियनर है उसके घर से जो 3 गाड़ी अपने को साथ में चुरानी है उसके वहां पे बहुत ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी होने वाली, Z+ सिक्योरिटी होने वाली है उसके पास, क्योंकि भाई अब उस वहां पे इतनी महंगी महंगी गाड़ियां रखी और वो इतना रिच भी है। तो यार मैं ना यहाँ पे साइड के रास्ते से जाऊंगा, जो मेन रास्ता है ना वहां से नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा ट्रेलर आता हुआ यार किसी को भी दिखेगा तो सब लोगों का ध्यान उस पर अट्रैक्ट होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे ट्रेलर को हर बार घर से थोड़ा दूर पार्क करूं जिससे कोई देख ना पाए अपने को गाड़ियों पर से लोड और अनलोड करते हुए। अभी तो यार ये मैं इसको बहुत ध्यान से टर्न ले रहा हूँ, ट्रेलर इतना बड़ा है ना कि चलाने में भी मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये मैं एक सोच रहा हूँ कि यार ये मेरे ट्रेलर को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, यहाँ पे साइड की गली है, यहाँ पे कोई देखेगा भी नहीं। अब अपनी गाड़ियां लाने की प्रिपेरेशन में है ना मैं पहले से ही है ना ये चीज कर लेता हूँ कि इसका रैंप गिरा देता हूँ और भाई ये उसका टॉप डेक भी नीचे कर देता। तो अपने जैसी गाड़ियां लेके आएंगे तो फटाफट लोड कर देंगे। अब मुझे याद रखना पड़ेगा कि ये पीछे की साइड से लेकर आऊं वरना आगे की साइड से लेकर आऊंगा तो जस्ट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो अपने ना सबसे पहले चलते हैं पहले बिलियनर के घर पे। वो पहले बिलियनर का घर यहाँ पे पास में ही है, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके सामने ही है। अब ये है ना ये रॉबरी करने के लिए ना लेस्टर ने अपने को एक स्पेशल टूल दिया है, ये है मेरी ग्रैपलिंग गन। अभी ग्रैपलिंग गन में तो मैं फटाफट यूज करके बताता हूँ। ये देखो मैं ऐसे करके कोई भी घर के छत पे या बिल्डिंग्स पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो यार ये गाइस ये रहा पहला बिलियनर का घर, तुम्हें सामने दिख ही रहा होगा कितने सारे 1, 2, 3 गार्ड तो मुझे यहाँ से ही दिख रहे। अब ऑब्वियसली अपने मेन गेट से जा सकते हैं पर उसमें ना बहुत मारामारी करनी पड़ेगी, बहुत पुलिस अलर्ट हो जाएगी। मुझे ना ऐसे काम नहीं करना, मुझे ना स्मार्टली काम करना है, उसके लिए मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अपने है ना कोई सीक्रेट एंट्रेंस ढूंढते और अपने पास ये लेस्टर का इतना अच्छा ग्रैपलिंग गन है तो उसका क्यों फुल यूटिलाइजेशन करना। अरे अंकल आज आप सेफ हो, मैं आपकी गाड़ियां चुराने नहीं आया हूं, डोंट वरी। मैं पहले यार ये घर से बाहर निकल जाता हूं। अब जो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी ना वो है कि ये घर के पीछे से अपने इसके रूफ पे चढ़ जाए लेस्टर की ग्रैपलिंग गन यूज करके। अब यहां से तो चढ़ नहीं सकता क्योंकि यार वो गार्ड मुझे देख रहा है, तो मैं फटाफट घूम के ये घर के पीछे जाता हूं। तो कैसे दौड़ता दौड़ता मैं घर के पीछे आ गया, देखो ये जो गार्ड खड़ा था वो यहाँ पे भी आ गया। तो मेरे को लगता है यहाँ से अगर मैं मेरी ग्रैपलिंग गन यूज करके उसके पीछे चढ़ जाऊंगा तो कोई इशू नहीं होगा। ये मैंने ग्रैपल लगाया और भाई ये मैं ऊपर चढ़कर आ गया। अब मुझे ना यहाँ पे छुपना पड़ेगा, ये गार्ड को पता नहीं चलना चाहिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तभी सबसे पहले गार्ड को मारने के लिए है ना मैं मेरी स्विच ब्लेड निकाल लेता हूँ जिससे कोई आवाज ना हो। अब यहाँ पे आजू बाजू अपने दूसरे गार्ड्स भी देखते जाते हैं कि कहाँ पे कितने गार्ड्स है। अब यार ये जो नीचे वाला गार्ड है होपफुली अपने को देखे ना, और यहाँ पे भी एक गार्ड है। ओके ऑल राइट, सो सबसे पहले है ना मैं मेरी साइलेंस पिस्तल निकालता हूँ, ये वाला गार्ड है इसको पट से हेडशॉट मार दूंगा, और ये वाला जो गार्ड है इसको छुरी से भाई इसके गले में डाल के फिनिश कर दूंगा। अब मैं यहाँ घर के पीछे वाले एरिया में जाता हूँ और यार यहाँ पे देखो एक और गार्ड है, तो मैं है ना स्नीकीली पहले ये बालकनी में ड्रॉप करूंगा, उसके बाद यहाँ छोटी वाली बालकनी में ड्रॉप करता हूँ। अब है ना मैं यहाँ से पहले ये गार्ड को हेडशॉट मार देता हूँ, मेरी एक्स निकालूंगा और भाई इसके सर पे ये एक्स मार दूंगा। यहाँ पे एक और गार्ड है, इसको भी मैं फट से हेडशॉट मार देता हूँ। अभी तक तो यार कोई गार्ड अलर्ट नहीं हुआ है, तो अपने गेम एकदम सही जा रहा है। अब यहाँ पे एक और ये पीछे गार्ड खड़ा है, इसको भी मैं यार स्नीकी स्नीकी जाऊंगा और इसके भी यार गले में मेरी छुरी डाल दूंगा। अभी तक मैंने कितने 7-8 गार्ड फिनिश कर दी होंगे पर किसी को कुछ पता नहीं चला और ना ही पुलिस अलर्ट हुई है। अब यार ये वाला जो गार्ड है एकदम स्नीकी स्नीकी जा रहे हैं अपने, कोई आवाज नहीं करेंगे। रेंज का वॉक करने का स्टाइल भाई एकदम यूनिक है।
मैं मेरी पिस्तौल निकालूंगा, मेरी स्विच ब्लेड अंदर रख देता हूँ और ये बंदे को तो भाई मेरी बंदूक की नुक्की से ही फिनिश कर दूंगा। अब ये वाला गार्ड है, मैं इसके ना पीछे स्नीक करने का ट्राई करता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना है ना इसको साथ में बॉक्सिंग मैच लगाऊं। तब देखते हैं यार ये गार्ड को अपने मार पाते हैं कि नहीं। एकदम धीमे 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 भाई रेंच इसके पीछे जा रहा है और भाई मैं इसको एक है ना पंच मारता हूँ और भाई ये ढेर हो गया। भाई रेंच से बिल्कुल डर के रहना। तो गाइस ये जो पहली हमने बिलियनर की गाड़ी चुराई है वो है एस्टन मार्टिन विक्टर। अब यार एस्टन मार्टिन से ना एक अलग ही लेवल की कार्स होती है यार, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये गाड़ी का लुक देखो, ये एकदम स्ट्रॉन्ग लुकिंग गाड़ी है। मतलब ऐसी नहीं यार कि भाई एकदम जैसे लैम्बोर्गिनी स्लीक और फास्ट लगती है, वैसा नहीं है भाई। एस्टन मार्टिन ऐसी लगती है स्ट्रॉन्ग गाड़ी है कि भाई ये कुछ करके बता देगी। मैं फटाफट इसमें बैठता हूँ और यार अब इस गाड़ियों की स्पीड और ये सब तो अपने चेक नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि ऑब्वियसली अपने को फटाफट 6 गाड़ियां चुरानी है बैनी के लिए। पर अपने जरूर ट्राई करेंगे कि एक बार सारी गाड़ियां चुरा ले, उसके बाद मैं एयरपोर्ट लेके जाऊंगा और सारी गाड़ियों की टॉप स्पीड चेक करूंगा। मैं फटाफट है ना ये गाड़ी को अपने ट्रेलर पे चढ़ा देता हूँ। कोई पुलिस या कोई कुछ अलर्ट नहीं हुआ है तो अपने को कोई ऐसी जल्दी नहीं है, तो अपने आराम से इसकी पार्किंग कर सकते हैं। मैं होपफुली इसको यार बिना ठोके रैंप पे चढ़ा दूं जिससे यार मुझे रिपेयरिंग का कोई खर्चा ना है। अभी तक तो यार मैंने बराबर कर दिया है और ये मैंने लगा दी है भाई इसके ट्रेलर के टॉप पे। अब मैं फटाफट ये अपने ट्रेलर का रिमोट करके ये व्हीकल को इस पे अटैच कर दूंगा। तो गाइस ये गाड़ी है मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब अपना टाइम आ गया है कि नेक्स्ट अपने बिलियनर के घर जाए जो यहाँ पे है। तो आप चलो शुरू करते हैं। यहाँ से निकलने से पहले यार मैं मेरे दोनों रैंप और डेक ऊपर कर लेता हूँ जिससे यार मेरी गाड़ी गिर ना जाए। अब यार ये ट्रेलर ड्राइव करना भी बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि इतना बड़ा है ना, तो बार बार मैं इसको अनहुक कर देता हूँ। पर यार ट्राई करूंगा कि मैं बिलियनर के घर पे मेरी एस्टन मार्टिन को एक पीस में लेके जा पाऊँ। अब यार ये गाड़ी को ऊपर से गिराना भी नहीं, क्योंकि गिर गुरा गई तो बहुत तकलीफ आएगी। ऐसे तो मैंने अच्छे से अटैच करी तो कोई इशू होने नहीं वाला है। अब ये बाकी सारे बिलियनर्स ना एक साइड ही रहते हैं। ये जो अपना पूरा वाइनवुड और ये गोल्फिंग वाला एरिया है वहीं पे सारे लॉस सैंटोस के बिलियनर्स रहते हैं। तो अपने मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे है ना एक ही जगह पे है ना अपना ट्रेलर पार्क कर दूं और फिर सारी गाड़ियों को उसके पास चला चला के लेकर आ सकूं। तो पहले तो अपने को ट्रेलर के लिए एक अच्छी पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे कोई आ जाए ना। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ना मेरा ट्रेलर ये साइड वाली स्ट्रीट में पार्क कर दूं। यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है तो कोई इशू नहीं आएगा और मेन रोड भी नहीं है। मैं लास्ट टाइम की तरह ना मेरे दोनों टॉप डेक और लोअर डेक को रिलीज कर दूंगा। मैं यहाँ से उतरता हूँ और यार इसको मेरे मैप पे पोजीशन मार्क कर दूंगा जिससे मैं भूल ना जाऊं कि मेरे ट्रेलर को यहाँ पे रखा है। अब यहाँ से अपने फटाफट चलते हैं पहले बिलियनर के घर पे जो यहाँ पे रहता है। अब अपनी स्ट्रैटेजी हमेशा की तरह सेम ही रहेगी यार कि कोई गार्ड अलर्ट नहीं होना चाहिए, कोई पुलिस कॉल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार पुलिस गार्ड ये सब आ जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो हमको है ना ये वाले घर में घुसना, इसका ना एक बार फटाफट लैप लेके देखते हैं कि यहाँ पे कैसी सिक्योरिटी और क्या हालचाल है। अब यार यहाँ पे गेट इतना बड़ा है तो मुझे गाड़ी तो अंदर दिख नहीं रही, पर मुझे ना यहाँ पे पहला सिक्योरिटी गार्ड तो वहाँ पे ऊपर दिख भी गया है। और घर के साइड में जाके देखते हैं कि कैसी सिक्योरिटी है। मेन डोर से तो अपने नहीं घुस सकते क्योंकि वो वाला गार्ड अपने को देख लेगा। यहाँ साइड डोर पे देखते हैं कि कैसी सिक्योरिटी है। अब यार ये वाला जो साइड डोर है यहाँ पे मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड ऐसे दिख तो नहीं, यार ये सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे सामने ही है तुम्हें दिख रहा होगा। तो चल अपने साइड डोर से भी एंट्री नहीं ले सकते। और यहाँ पे यार ये वॉल्स से मैं कूद के ट्राई कर सकता हूँ, पर ये पूरा कंपाउंड है वो भी गार्ड से भरा हुआ ही है। तो अपने ये साइड वाले घर में घुस के मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पे यार लगता तो नहीं है कि कोई गार्ड खड़ा है, तो मैं ट्राई करता हूँ मैं इसकी छत पे चढ़ने का ट्राई करता हूँ मेरी ग्रैपलिंग गन यूज़ करके। मैं इसके घर के बाजू वाली छत पर आ गया हूँ। तो यार मेरे को ऐसा लगता है कि देखो ये एक सही एडवांटेज पॉइंट है। मैं मेरी स्नाइपर राइफल निकाल के मेरा थर्मल बंद कर देता हूँ कि जो कोई भी गार्ड है ना यहाँ पीछे के साइड देख नहीं रहा है तो अपने को काफ़ी ईजी होगा। मैं फटाफट मेरी ग्रैपलिंग गन निकालता हूँ और ये जो टेनिस कोर्ट है इसके अंदर कूद के चला जाता हूँ। अब मुझे मेरी जॉन विक वाली साइलेंस पिस्तौल और मेरी छुरी दोनों चीज़ रेडी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे गार्ड्स को मुझे फटाफट फिनिश करना पड़ेगा। अभी जो सबसे पहला जो गार्ड है इसको तो है ना मैं मेरी स्नाइपर से मारूंगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब मेरी स्नाइपर पे सप्रेसर, हाँ सप्रेसर लगा हुआ है, कोई बात नहीं आएगी। मैं इस गार्ड को मारने के बाद फटाफट इस गार्ड को मारने का ट्राई करूंगा। और ये वाले गार्ड ने भाई मुझे देख लिया, मुझे फटाफट एक्ट करना पड़ेगा। इसने भी मुझे देख लिया, ये वाला भी गार्ड एक्टिवेट हो गया। भाई मैंने गड़बड़ कर दी, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर दी, ये सारे गार्ड्स एक्टिवेट हो गए। तब मुझे मेरी है ना असॉल्ट राइफल निकाल के इन सबको फिनिश करना पड़ेगा। होपफुली ये लोग ने ना पुलिस को तो अभी तक बुलाया नहीं होगा। अब यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैंने ना मेरी बहुत क्लोज आके मेरी स्नाइपर राइफल यूज़ करा था, वो गार्ड ने मुझे सेंस कर लिया। पर कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि होपफुली आगे वाले जो गार्ड्स हैं वो एक्टिव ना हुए हो। मैं एक बार ये देख लेता हूँ, भाई ये गार्ड भी पीछे ही देख रहा है, शायद अपना वेट ही कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, मेरी है ना शॉटगन निकालूंगा, इसको है ना तानूंगा और भाई रोली पोली करके इसको यूं ही उड़ा दूंगा। तो भाई अब ये गार्ड भी फिनिश हो गया। भाई रेंच से पंगा नहीं लेना, ये एक और शॉटगन का। अब यहाँ पे अपने को कैमरास का भी देखना है यार कि कोई अपने को एविडेंस छोड़ के नहीं जाना यहाँ पे। मैं धीमे धीमे आगे जाऊंगा और यार यहाँ पे देखो यार ये वाला गार्ड भी अपने लिए एकदम रेडी ही खड़ा है। इस गार्ड से डील करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, मैं मेरी जॉन विक की पिस्तौल निकालूंगा और भाई इसको भाई पट से हेडशॉट मार दूंगा।
अब यहाँ पे है ना छत पे भी एक गार्ड दिखा था, पता नहीं वो कहाँ गया। अरे यार ये मरा नहीं बंदे, मर जा। यहाँ पे एक छत पे भी गार्ड था, ये रहा वो, और भाई तू भी हेडशॉट का। तो भाई ये सारे गार्ड को मैंने ढेर कर दिया है, पुलिस अभी अपने पीछे नहीं लगी, इन लोगों को लगा था कि कोई हल्का फुल्का चोर आया होगा तो इसको मार देंगे। तो अभी यार ये बात करते हैं गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी के बारे में मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो एस्टन मार्टिन मुझे अच्छी लगती थी, पर यार लैम्बोर्गिनी मेरे दिल के पास है, और ये है लैम्बोर्गिनी मिलानो ट्रेसो। अब ये जो गाड़ी है ना इटालियन गाड़ी है, और भाई ये ऐसी है ना लॉस सैंटोस में बहुत गाड़ियां इंपोर्ट भी नहीं हुई, तो ये जो अपने गाड़ी है इसका ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सुपर कार है जो आज अपने चुराने वाले। मैं फटाफट इसमें बैठता हूँ और भाई इसको फटाफट ले चलूंगा मेरे ट्रेलर पे पार्क करने के लिए। अब यार लकी अपने लिए बात यह है कि यार अपने कोई गाड़ी थोड़ी सी देर चलाने मिलेगी, क्योंकि अपने ने ट्रेलर थोड़ा सा दूर पार्क करा हुआ है, तो यार तो अपने को इसकी गाड़ी का फील देखना मिलेगा। जो इसका ब्लू और ऑरेंज कलर का एक्सेंट है भाई, वो मुझे बहुत जबरदस्त लगता है। मैं हमेशा यार अपने ट्रेलर के अपोजिट साइड से क्यों आता हूँ पता नहीं, मेरे लिए काम बढ़ाता हूँ। मैं फटाफट इसको भी है ना ट्रेलर के ऊपर चढ़ा के पार्क कर देता हूँ इसको धीमे धीमे। भाई बहुत महंगी गाड़ी है, अरे भाई मैंने ठोक दी। कोई बात नहीं, बैनी भैया को अपने ने इसी के लिए रखा है रिपेयर्स और ये करने के लिए। चढ़ा दो भाई, चढ़ जा। और भाई भाई मैंने एस्टन मार्टिन को ही ठोक दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डैमेज हुआ है बम्पर पे, ठीक है। ये मैंने गाड़ी को यहाँ पे रख दिया है, मैं अब इससे उतर जाता हूँ अपने ट्रेलर से। अब मैं ट्रेलर का है ना एक बार डेक रेस करके इसको गाड़ी को जगह पे लॉक कर देता हूँ। ये अपनी जो ट्रेजो है ये मेरे ट्रेलर से थोड़ी वाइड है, इसके लिए फिटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, पर आई डोंट थिंक कोई लंबा प्रॉब्लम होगा। अंकल आप लोगों ने कुछ नहीं देखा, मेरी तरफ मत देखो प्लीज। अब है ना नेक्स्ट अपने है ना सेकेंड बिलियनर के घर चलते हैं, जो अपना सेकेंड रिचेस्ट बिलियनर है उसके घर से अपने फरारी इटालिया 458 चुराने वाले हैं। मुझे फरारी तो यार बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, प्रोबेबली लैम्बोर्गिनी के बाद मेरी नेक्स्ट फेवरेट गाड़ी है फरारी ही होगी। यार अभी है ना मुझे वहां तक जाना है, अभी यार मेरे को दौड़ के आलस आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये रेड लाइट पे एक जन की गाड़ी चेक कर लो, और होपफुली है ना इस चीज के कारण मेरे पीछे पुलिस ना लग जाए। आंटी जी प्लीज बाहर आओ, मुझे एक बिजनेस काम के लिए आपकी गाड़ी चाहिए। अपने घुसने का ट्राई करेंगे भाई वो बिलियनर के घर पे, फटाफट मैं चलता हूँ। मैं यहाँ से है ना यार साइड जाऊंगा और इस रास्ते से जाऊंगा, और भाई ये अपने मेन गेट पे आने वाले मुझे पता है, और ऑब्वियसली मेन गेट से एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि बहुत पुलिस होती है, पर अपने से स्लोली स्लोली यहाँ से ड्राइव करके देखते हैं। तो यार ये रही अपनी फरारी इटालिया जो अब मेरे को चुरानी है। अब तुम देखो यार यहाँ पे चार गार्ड तो मुझे दिख रहे हैं, कोई चांस नहीं है कि ना मैं इस मेन गेट से तो घुसूंगा, क्योंकि मेन गेट से घुसूंगा ना तो भून दिया जाऊंगा। तो यार ये पीछे से मैं एक्सेस करने का ट्राई करूंगा, ये उसके बाजू वाले घर पे मैं आया हूँ। और यार यहाँ पे देखो ये वाला जो घर है अपना, जो ये वाला घर है इस पे से अपने को चोरी करना है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसके अंदर घुसने का। यार यहाँ पे झाड़ियों में से कहीं जगह मिलती हो तो मेरे को मेरी गन निकाल के यहाँ पे धीमे धीमे चलना पड़ेगा। ये बिलियनर्स की सिक्योरिटी की पता है एक ही वीकनेस है कि ये लोग को डेकोरेशन के लिए लोग जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगाते हैं वो अपने को रोक नहीं पाती, इनको यार ऊँची ऊँची वॉल्स बनवानी चाहिए। अब यार यहाँ पे चढ़ने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे चढ़ूंगा और फिर ऐसे करके जाऊँगा, और फिर मैं यहाँ पे एक और बार ट्राई करते हैं। आई थिंक आई कैन डू इट, यहाँ पे चढ़ूंगा, यहाँ सीधा देखूंगा और भाई यहाँ कूद के मैं, मुझे पता है मेरे पास ग्रैपलिंग गन है, पर अब मेरे को जिद है कि ऐसे ही करना है। तो भाई ये झाड़ी ने मुझे हरा दिया है, मुझे ना ग्रैपलिंग गन ही यूज करनी पड़ेगी। अब यार ये ग्रैपलिंग गन का तकलीफ ये है कि मैं घुसू कहाँ से, तो यार मुझे पहले है ना ये बाजू वाली छत पे जाना पड़ेगा, और ये बाजू वाली छत से है ना कहीं पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना कि मैं कहीं पे घुस ही नहीं पाऊंगा। मैं ट्राई करता हूँ यार मेरी ग्रैपलिंग गन यहाँ पे कोने पे मारूं जिससे मैं अंदर घुस पाऊँ, और ये मैं भाई देखो परफेक्टली झाड़ियों में छुप गया हूँ। अब है ना मेरे को मेरी साइलेंस, यहाँ झाड़ियों में छुप के मेरी सबसे पहले मेरी साइलेंस पिस्तल और मेरी छुरी रेडी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो यार ये अंकल बैठे हैं, इन्होंने मुझे अभी तक देखा नहीं है, तो अब यहाँ पे देखो अपने गार्ड्स देखते हैं कि एक ऊपर गार्ड है, गार्ड्स देखते हैं एक वहाँ पे है, ये एक अंकल बैठे हैं, एक वहाँ पे गार्ड है, और एक वहाँ बालकनी वाला गार्ड तो आई थिंक अभी अपने आई साइड के बाहर है। तो मैं मेरी पिस्तल निकालता हूँ और भाई ये पहले अंकल को मारता हूँ, इनको मारता हूँ, और भाई इनको भी पट से हेडशॉट मार देता हूँ। ये तीन बंदे तो मैंने यहाँ से ही फिनिश कर दिए। अब होपफुली यार कोई गार्ड अपने को देखे ना, क्योंकि यार मेरे को बहुत साइलेंट डांस डिक्री करने में मजा आता है। अब यहाँ पे बालकनी में एक और गार्ड हो सकता है यार, वो उससे छुप के मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ देखो मैं थर्मल स्कोप से देख पा रहा हूँ कि यार देखो ये वॉल के साला पीछे छुपा हुआ है, अगर अपने अभी अभी आगे जाते ना अपने को स्पॉट करके अपने को भूनना चालू कर देता। अब इसका तोड़ कैसे निकाले, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये गार्ड को तो अपने को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वहां पे खड़ा है ना तो अपने स्नीक करके है ना इसकी दीवार के पास से ही निकल जाएंगे। देखो मैं ऐसे ऐसे करके साइड में से दीवार से चिपक के निकल जाता हूँ। अब नॉर्मली यार मैं यहाँ पे ग्रेनेड डाल के उसको मार देता, पर अपने को आवाज नहीं करनी है तो साइलेंट टेंस निकली अपने ये दरवाजे से बाहर आ जाता है। और देखो यहाँ पे भी कोई गार्ड नहीं है, तो मैं दीवार का कवर छोड़ के यहाँ पे कवर ले लूंगा। अब ये वाला गार्ड है, अब यार आगे का अपने को वापस से देखना पड़ेगा कैसा है। होपफुली यार मैं लास्ट घर की तरह इसके बहुत क्लोज ना चला जाऊँ।
अभी ये गार्ड तो मुझे क्लियर दिख रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसको तो मैं छुरी से फिनिश ही कर डालता हूँ। और ये भाई मैंने इसको चीरा मार दिया जोरदार, भाई एक चीरा मार के मरा नहीं, कैसा गार्ड है भाई, क्या दूध पीते ये लोग। कोई बात नहीं, इसको लात मार के मैंने लेटा दिया। अभी तक होपफुली किसी ने मुझे देखा नहीं है, क्योंकि यार ऑब्वियसली यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं खड़ा। मैं यहाँ पे कूद के ना ये वाली झाड़ियों में छुपता हूँ, मेरी पिस्तल निकाल लेता। अब यहाँ पे दो गार्ड खड़े, वो दो गार्ड आजू बाजू खड़े, मुझे नहीं पता कि मैं उनको कैसे ठिकाने लगाऊंगा। अब कोई चारा नहीं यार, मैं मेरी गन निकालूंगा, रोल करूंगा। और भाई देखो इनने मुझे गोली मारनी भी चालू कर दी, पर भाई तुम्हारा वॉरियर है भाई, वन और टू, टू टैप्स में भाई दोनों को फिनिश कर दिया। और यार ये रही मेरी फरारी इटाली 458। अब यार फरारी रेड कलर और येलो कलर में बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगती है मुझे। कोई बात नहीं, अपने ने दो कार तो चुरा ली, नहीं तीन कार चुरा ली। अब मतलब अपने को जो फाइनल बिनियनर के घर पे जाना है सिर्फ वही वाला घर बचा है। सो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ वीडियो आ गया है, मैं इसको भी फटाफट ले चलता हूँ मेरे ट्रेलर पे चढ़ाने के लिए। इसको यहाँ पे भाई मैं ट्रेलर को मैप पे मार्क करूंगा, जिससे मैं गाड़ी को लेकर घूम ना जाऊँ। अब यार फटाफट उसकी, अरे भाई तीन जगह तो मैंने गाड़ी ठोक भी दी। पुलिस पुलिस लग गई क्या मेरे पीछे? नहीं 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 भाई, किसी और के पीछे थी। रुक जाते अपने, जिससे ना पुलिस अपने को ना अटेंशन दे। कोई बात नहीं, रेड लाइट पे भी रुक जाएंगे, पुलिस है यहाँ पे, ठीक है। अब पुलिस गई, अब यार इसकी फटाफट फटाफट स्पीड टेस्ट भी कर लेंगे। क्या लगता है इतने से रास्ते में ये भाई 100 तो क्रॉस कर भी दिया गाड़ी ने, और भाई 150 के आसपास तो हो भी गई। डोंट वरी गाइस, सारी गाड़ियों को अपने लास्ट में टेस्ट करेंगे। अब मैं फटाफट है ना इसको भी अपने कैरियर पे लोड कर देता हूँ। तो गाइस मैंने अपनी फरारी 458 को भी अपने ट्रेलर पे लोड कर दिया। अब टाइम आ गया कि तीन तीन सुपर रेस कार्स एक साथ चुराने का भाई ये वाले बिलियनर के घर से। अब तीन गाड़ी लेके जानी है तो मुझे अपना ट्रेलर ही वहां पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर बार बार आगे पीछे करूंगा तो 100% पुलिस आ जाएगी। तो मुझे पहले सबसे पहले ये वाला बिलियनर रेस के घर के आसपास कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। मेरे को लगता है कि यहाँ पे या कहीं पे मैं पार्क कर देता हूँ। मैं पहले ना ये वाला एरिया मार्क कर देता हूँ, ट्राई करूंगा कि गेट के पास ही पार्क करूँ, क्योंकि यार लेस्टर ने मुझे बताया कि जेड प्लस सिक्योरिटी है उसके पास, मतलब प्रॉपर मिलिट्री वाले बंदे हैं ये। तो जब अपने देखते ही ऐसे ही हायर्ड बॉडीगार्ड्स होते हैं, ये लोग बहुत होशियार भी नहीं होते, ना ही इनको गन अच्छे से चलानी आती है, पर वहां पे प्रॉपर बॉडीगार्ड्स मतलब मिलिट्री वाले बॉडीगार्ड्स हैं, तो अपने को तकलीफ होगी। तो यार ये देखो, ये रहा वो बिलियनर का घर, और तुम्हें यहां से मैं गाड़ियां दिखाने का ट्राई करता हूं। तो गाड़ियां तो नहीं, पर इतने सारे फौजी तुम्हें यहां पे खड़े खड़े दिख रहे हैं। अब यार ये लोग ऐसे तन के खड़े रहते, अटेंशन देते, तो मतलब अपने राइट लेफ्ट इधर स्नीक इन नहीं कर सकते। और भाई यहां पे देखो यार, एक गोल्ड रोल्स रॉयस जा रही है, मेरा मन कर रहा है ये भी चुरा लूं, पर बेनी ने अपने को काम दिया है, वो पहले कम करना पड़ेगा। अब अपना है ना हमेशा की तरह ना साइड एंट्रेंस ढूंढेंगे, मेन एंट्रेंसेस होती है ना यार यहां पे बहुत बबाल हो जाती है। अब मैं क्या करूँ वो सोच रहा हूँ कि मेरे ट्रेलर को पहले पार्क किधर करूँ। अब मेरे को ऐसा लगता है मेरे को एंट्री तो यहाँ से ही यार लेनी चाहिए, ये वाला जो छोटा गेट है, पर अब ये छोटे वाले गेट से मैं गाड़ियाँ बाहर नहीं लेकर आ पाऊंगा। तो मुझे कहीं ऐसी जगह पे मेरा ट्रेलर पार्क करना है कि मैं गाड़ियाँ बाहर निकाल के उस पर डायरेक्ट एक्सेस कर सकूँ। तो यार ये देखो, ये रहा बड़ा प्लॉट, यहाँ पे इतने सारे मिलिट्री वाले आंटियाँ सब घूम रही है, पर मुझे कुछ ना कुछ तो तोड़ चाहिएगा, क्योंकि मुझे वो गाड़ियाँ चाहिए। तो यार ये ट्रेलर को है ना मैं सोच रहा हूँ कि यार मेन गेट के पास ही पार्क कर देता हूँ, और भाई फुल अपने पीछे के रास्ते से बूम बाम गन्स ब्लेजिंग चलेंगे। अरे कोई दो तीन आंटियों को मैंने मेरे ट्रेलर से कुचल दिया, ट्रेलर चलाना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं यार, देखो ये जो सुपर कार्स है वो वहाँ पे खड़ी है, तुम्हें दिख रही होगी। तो है ना मैं मेरे ट्रेलर को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, जिससे वो जो मेन गेट से निकाल के डायरेक्ट ट्रेलर में घुसा दूंगा। अब मुझे है ना सिर्फ यहाँ इसका है ना रैंप रिलीज करना है, और भाई मैं ट्रेलर से उतर जाऊंगा। अब फटाफट है ना मैं चलता हूँ घर के पीछे वाले एरिया तक। तो गाइस ये दौड़ के मैं आ गया वो पीछे वाले एरिया तक। अब मेरे को मेरी सारी गन्स रेडी रखनी है, मेरी जॉन विक वाली पिस्तौल, मेरी शॉटगन, मेरी स्नाइपर, मेरी असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड्स तो कम काम आएंगे पर रख लेता, और मेरी छुरी। अब अपने ना हाथ में यार लेके तो अपनी पिस्तौल ही चलेंगे। अब यहाँ से पहले है ना मैं गेट में अंदर घुस के देखता हूँ कि कहाँ कहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़े। अभी पहला सिक्योरिटी गार्ड वहाँ खड़ा है, तो ये वाले सिक्योरिटी गार्ड को तो मैं ट्राई करता हूँ कि भाई छुरी मार के फिनिश कर दूँ। और ये भाई ये खा भाई छुरी, भाई रेंच है तो ऐसे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एक ही छुरी में ये मिलिट्री वाले को फिनिश। और भाई ये लोगों ने भाई पूरी लंका लग गई, और भाई इन लोगों ने अपने को देख भी लिया। देखा मैंने बोला था यार जेड प्लस सिक्योरिटी वाले अपने इनको मामू नहीं बना पाएंगे, ये वाले देखो एक्टिवेट हो ही गए बंदे। तो अपने मैं यहाँ से ना फटाफट हेडशॉट्स मारने लगता हूँ। अरे भाई मिलिट्री वाले इनके पास राइफल्स भी है, जनरली यार अपने पिस्तौल वाले गार्ड से लड़ रहे होते हैं। ये तीनों गए, चारों गए, और कहाँ पे बंदे, भाई मर जा प्लीज। ये वाला गार्ड है मैं इसको भी भून दूंगा, भाई वो कहाँ छुपा हुआ है गार्ड, भारा भारा तू भारा। पिस्तौल निकाल के अब आगे पुश करना चालू करता, और ये वाला गार्ड है भाई इसको यहाँ से पट से हेडशॉट्स दे देता हूँ। अभी मेरे को ऐसा लगता है यार ये बैकयार्ड तो पूरा क्लियर हो गया है, और भाई ये जो आगे वाला एरिया है, अब यहाँ पे है ना एक्सप्लोसिव यूज करने का बहुत मन हो रहा है, पर अपनी गाड़ियाँ फूट जाएगी। अपने साइलेंस वेपन्स यूज कर रहे थे, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। तो अब यार क्या करें, अब मैं देखते चेन किल कितने कर सकता हूँ पिस्तौल से। तुम्हारे भाई की एक्यूरेसी देखना, एक दो तीन
चार, अरे मिस हो गया पांच और इसने मुझे पीछे देख लिया था, तो ये सारे गार्ड्स को मार दिया मैंने। तो गाइस ये मैं ना मैंने इतने सारे गार्ड्स को यहाँ पे मारा ना, तो इन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और भाई ये वाले जो गार्ड्स है ये मुझे मारने आ रहे एक एक करके। भाई ये मारा बंदे, तू लड़के तू क्या खड़ा है, तू भी हेडशॉट का। और यहाँ पे है ना मैंने आवाज सुनी थी बहुत सारे बंदे एक साथ आ रहे, आ जाओ भाई सब लोगों को पट से हेडशॉट पड़ने वाले। भाई मेरा क्रॉसर प्लेसमेंट जबरदस्त और ये सब लोगों को मैंने स्प्रे करके मार दिया, कम से कम नहीं तो कम से कम अपने 20 गार्ड्स को यहाँ पे ठेला होगा। और भाई ये वाले जो सारे गार्ड्स हैं इनको भी अपने फिनिश कर देते हैं। आजा आजा भाई तू भी मर जा। इन लोगों के पास आर्मर बहुत ज्यादा है, बहुत सारी गोलियां लगती है, पर कोई बात नहीं गाइस सारे गार्ड ढेर कर दिए। अपने गार्ड्स को ढेर करनी नहीं है, अपने चुराने आए हैं यहाँ पे गाड़ियां, तो अपनी जो पहली है ये गाड़ी चुरा लेते हैं। अब ये गाड़ियों का एक्सप्लेनेशन देने का मेरे पास टाइम नहीं है, पर तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई ये फरारी है। अब कौन सी फरारी है ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मुझे तो पता है, देखते हैं कितने लोगों को पता है ये कौन सी फरारी है। भाई गेट जल्दी खुल जा प्लीज 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 जल्दी खुल जा। और भाई अपने फटाफट में ये गाड़ियों को ये लोअर रैंप पे चढ़ाना चालू करता हूँ। पहली गाड़ी मैंने लगा दी, फटाफट दौड़ के लेकर आता हूँ दूसरी गाड़ी को। मैं साइड के रास्ते से जाता हूँ यार, क्योंकि वो वाला मेन डोर तो खुलने में बहुत टाइम लगता है। ये मैं बैठूंगा मेरी नेक्स्ट गाड़ी में और भाई फटाफट लेके चलूंगा इसको भी बाहर। अब भाई ये मरीन्स की डेड बॉडी पे से मेरी गाड़ी बाउंस हो रही है। भाई ये दरवाजा खुला रख क्यों नहीं रख सकता मैं, इसको फटाफट निकाल के मैं इस पे चढ़ा देता हूँ मेरे ट्रेलर पे धीमे 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 धीमे। और भाई अपनी अब आखिरी गाड़ी लेके जानी है, लास्ट टाइम की तरह मैं ये साइड वाले डोर से अंदर जाऊंगा। ये आंटी को शर्म ही नहीं आ रही भाई, यहाँ पे इतनी गोलीबारी हो गई है और तो भी इनको यहाँ पे कच्छों में घूमना है। ये वाली जो लास्ट गाड़ी है ना, ये अपोलो S11 है यार, ये कस्टम रेस कार है जो ये बिलियनर ने खुद के लिए बनवाई थी, वन ऑफ माय फेवरेट कार्स है। तो ये लास्ट गाड़ी भी मैं फटाफट ट्रेलर पे चढ़ा देता हूँ। अभी तक कोई कॉप्स या कोई अलर्ट नहीं हुए, तो अपने लिए बहुत ईजी होने वाला है, सिर्फ अपने को फटाफट ये गाड़ियां जाके अपने शोरूम में छुपा देनी है। अब भाई मेरा रैंप कैसे अप हो गया, मैं इसको फटाफट नीचे गिराता हूँ और मेरे इसको ट्रेलर के ऊपर फटाफट इसको पार्क कर देता हूँ। ये गाड़ी को मैंने ऊपर चढ़ा दिया, मेरा फटाफट है ना रैंप ऊपर कर लेता हूँ और ट्रेलर में बैठ के अपनी गाड़ी को ले चलते हैं शोरूम पे। तो गाइस अपने ने आज 6 सुपर कार्स चुरा ली है, बहुत जबरदस्त अपने को प्रॉफिट होने वाला है इससे। तो अब मैं फटाफट मेरे चलता हूँ मेरे गैलेक्सी शोरूम पे। अब यार टाइम इज ऑफ द एसेंस, क्योंकि कोई ना कोई यार बंदा वहां पे जरूर मेंशन पे आएगा और नोटिस करेगा कि यार वहां पे इतनी सारी डेड बॉडीज है। पर यार अपने ने अच्छी बात यह है कि अपने ट्रेलर हर साइड से दूर पार्क किया था, तो कोई भी पुलिस को कंप्लेन होगी तो ऐसा बोलेगा कि यार ये गाड़ी चोरी हुई है, वो गाड़ी चोरी हुई है, ये बंदा मरा है। पुलिस कोई ट्रेलर के लिए नहीं ढूंढ रही होगी, इसके लिए अपने काफी सेफ है ट्रेलर चलाने के लिए। ऐसे तो ट्रेलर की भी बहुत अच्छी स्पीड है। वैसे है ना अपने पास जो डेविन वेस्टन का लास्ट टाइम फैंटम वेज मुझे मिला था, वो मुझे रखना चाहिए था, वो हम लोगों ने ना डिस्कार्ड कर दिया। फैंटम वेज होता तो भले ही कॉप्स क्यों ना लगते मुझे कोई चिंता नहीं थी, पर अपने पास आज एक सादा ट्रेलर है। पर कोई बात नहीं, सादे ट्रेलर में भी कोई कमी नहीं है। अपने ऑलमोस्ट अपने शोरूम पे पहुंच गया यार, देखो यहाँ से दिख भी रहा है। मैं फटाफट है ना ट्रेलर को उसके शोरूम के आगे साइड में पार्क करूंगा और भाई बैनी और उसके बंदों को बुलवा के सारी गाड़ियों को अनलोड करवा लेता हूँ फटाफट। मैं फटाफट बैनी को फोन करके भाई उसको यहाँ पे बुला लेता हूँ। तो अपने गाइस बैनी भाई यहाँ पे आ गए, इन्होंने अपनी सारी गाड़ियां लोड करवा दी। मैं तुम्हें फटाफट सारी गाड़ियों के बारे में एक साथ बता देता हूँ जो अपने आज चुराई है। फर्स्ट अपनी फरारी इटाली 485 है, ये वाली फरारी का नाम मुझे तुम बताओगे, इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये अपनी मिलानी ट्रेजो, ये वाली मॉस्कारो एक और भाई इंपोर्टेड कार है। ये अपनी अपोलो S11 जो बिलियनर की कस्टम रेस कार है। और भाई लास्ट में अपनी एस्टन मार्टिन। तो अपने ने टोटल आज मस्त 6 सुपर कार्स चुराई। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक जोरदार लाइक देना, कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करके बताओ यार ये फरारी कौन सी है, मुझे बिल्कुल मत बताना भूलना। अब यार ये अपने पास ऑलरेडी $200 मिलियन का तो प्रॉफिट है ही, और ये बार सारी गाड़ियों को बेच के अपने पास और प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि मैं नेक्स्ट वो चीज किस में स्पेंड करूं। तो मिलूंगा मैं तुम्हें नेक्स्ट सैटरडे एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। बाय।